हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि फोटो से बैकग्राउंड किस प्रकार से हटाया जाए बहुत ही कम समय में। जो लोग बिल्कुल फोटो एडिटिंग में एक्सपर्ट नहीं है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। जो लोग स्पेशली एक्सपर्ट हैं वो तो हटा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है और अपनी फोटो को फेसबुक पे व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना और बैकग्राउंड है, तो उसे हम कैसे रिमूव करेंगे। बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से पीसी से इसे हटा सकते हैं। आपको बहुत आसानी से सारा चीजें कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आपको इसी तरह का अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हटाया कैसे जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे देखो देख पा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे जैसे जैसे इसको हटाता जा रहा हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा वीडियो से पिक्चर से हटता चला गया है। मैं आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड पूरा का पूरा रिमूव होते चला जा रहा है एक साथ में। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे हटता हुआ चला जा रहा है। देखिए ये कार है, कार के पीछे की बैकग्राउंड है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे चाह रहे हैं वैसा वैसा ये हटता चला गया पूरा बैकग्राउंड। तो इस प्रकार से कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई फोटो है, कुछ फोटो मेरे पास दी हुई है, मैं इन फोटो को आपको ले लेता हूँ, दिखाता हूँ। फोटो हमारे पास ये कुछ फोटो हैं, इन फोटो का मैं बैकग्राउंड आऊंगा। जैसे कि आप अपनी फोटो ले लेते हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करना है, आप अपने मोबाइल के URL में टाइप करेंगे remove.bg, ये पूरा आपको नाम टाइप कर देना जैसे दिया हुआ है, आपको पूरी की पूरी ये साइट क्या होगी ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूं, ये टाइप करने के बाद इंटर कर दीजिए। ये जब आप एंटर करेंगे तो साइट खुल जाएगी। अब आपको करना क्या यहाँ पे है, तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। यहां देखिए ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया है अपलोड इमेज, अपलोड इमेज पर जाएंगे आप, यहां पे आपको अपनी फोटो सेलेक्ट करनी, जो भी आपको फोटो लेनी है। मान लीजिए मैं वाली फोटो लेता हूं और ओपन पर क्लिक कर देता हूं। यहां पे देखिए फोटो अपलोड होने लगी है। ये हमारी ओरिजिनल फोटो थी और अब ये इस फोटो का आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैसी फोटो है और इधर कैसी फोटो देखो आ रही है, पूरी बैकग्राउंड रिमूव हो गई है एकदम से। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, पूरी की पूरी फोटो आपको यहाँ पे हटा देनी है। आइए मैं कोई दूसरी फोटो लेता हूँ और फिर उसमें आपको दिखाता हूँ, एक बार फिर से अपलोड करता हूं मैं। बहुत सिंपल है, आप इस काम को मिनटों में कर सकते हैं, बल्कि सेकंडों में आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैसी भी फोटो हो, कोई भी फोटो हो, आपको जैसा भी फोटो लेना है यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैं वाली फोटो ले रहा हूं, देखिए कैसे पूरी की पूरी फोटो यहाँ पे एकदम से हट गई है और इसका एकदम से कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी बैकग्राउंड इसमें। तो बस आपको ऐसे ही बैकग्राउंड रिमूव कर देना है और यहाँ पे प्रीव्यू जो वाली पिक्चर है इसे डाउनलोड पर क्लिक करके और इसे सेव कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप एडिट करना चाहें तो फोटो को एडिट कर सकते हैं, मैं आपको एडिट करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से एडिट करना है। ये वीडियो हमें केवल क्या करना है, बस सेव कर लेना, ये वीडियो आपकी PNG के फॉर्मेट में सेव होगी और ये आपकी बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगी जो है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली बैकग्राउंड हमारी वाली फोटो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रही है, आ गई। तो इस प्रकार से हमें फोटो का बैकग्राउंड फुली रिमूव कर लेना है, आसानी से, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक तो बिल्कुल बनता है, आप लोग इसे लाइक कर लीजिए वीडियो को जो है,
और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना है, नए वीडियो में आपको पूरा और वीडियो को एडिटिंग कैसे करना है इसको हमें जो यहाँ पे पिक्चर को, तो पूरा मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर यू दोस्तों।